डी आर एल एस एस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशंस के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इंटीग्रेशंस के कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज को हम लोग समझेंगे और इसके एप्लीकेशंस को समझेंगे। जैसे कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला जो हो गया, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर डी एक्स है तो उसका फॉर्मूला होता है वन बाय टू ए लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। तो हम लोग क्या करेंगे कि फार्मूलास के एप्लीकेशंस को समझने वाले हैं, तो इसको स्टार्ट से एंड तक आप वीडियो को देखें। दूसरा है फार्मूला की इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वन बाय टू ए लॉग मोड ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स प्लस सी। थर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वन बाय टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। इनवर्स है मतलब माइनस वन लिखा हुआ है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। देन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। और नेक्स्ट फार्मूला जो है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो हम लोग फार्मूला देख लिया, अब इसके एप्लीकेशन समझते हैं। सपोज क्वेश्चन आ गया कि इंटीग्रेट करें डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, या फिर सिंपली लिखा जा सकता है कि वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को आप इंटीग्रेट करिए। तो सबसे पहले x को हम लोग को आइडेंटिफाई करना के पड़ेगा कि ये कौन सा फॉर्मेट। तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन लिखा हुआ है और नाइन को तो हम लोग थ्री स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला से मैच करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्मेट में है और ए के जगह में थ्री है, मतलब हम देख सकते हैं ये फॉर्मेट कुछ आ रहा है इस फॉर्मूले का। तो बस डायरेक्ट इस फार्मूला के बेसिस पर हम लोग लिख देंगे वन बाय टू ए मतलब ए के जगह में थ्री लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस ए मतलब एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स प्लस थ्री प्लस सी, मतलब वन बाय सी लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स प्लस थ्री प्लस सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद अगर सपोज ये क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई फोर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है, फोर को हम लोग टू का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, मैंने ए कांस्टेंट है तो टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मेट में है। तो हम लोग को पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है वन बाय टू ए लॉग मोड ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। तो अगर हम उससे चेंज करें वन बाय टू ए लॉग मोड ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स प्लस सी, मतलब वन बाय फोर लॉग मोड ऑफ टू प्लस एक्स डिवाइड टू माइनस एक्स प्लस सी हो गया आंसर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सपोज हमारा इंटीग्रेशन आ गया डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो हम लोग को इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से स्टैंडर्ड फार्मूले में। तो एक्स स्क्वायर और ये 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्मेट में है। तो हमारे पास है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी होता है। तो कहने का मतलब ये वन बाय ए के जगह में फाइव हो गया, टेन इनवर्स एक्स बाय फाइव प्लस सी हो गया। उसके बाद अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16, सपोज इसको इंटीग्रेट करना है तो हम लोग को 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मेट में है और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होता है लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है प्लस सी। तो सिंपल है, मतलब हम लोग लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब हम लोग तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब सिंपली ये लिख सकते हैं ना। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है क्यों किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा फार्मूला लगना है वो हम लोग देख रहे हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट 49 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कैसे करेंगे इंटीग्रेट इसको। 49 को हम लोग 7 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसके स्टैंडर्ड फार्मूला को देखना पड़ेगा डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है वो साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी होता है ना।
तो हम लोग और साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो ए के जगह हमारा सेवन है, तो सेवन बाई ए प्लस सी, तो ये इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, मतलब आपको फॉर्मूला स्टैंडर्ड याद होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से डी एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 64 है, तो 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम लोग मैच करें, इसको अगर हम लोग मैच करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्मेट में है, जिसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो उसके बेसिस पर हो गया ये लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर लिख दो या 64 लिख दो, प्लस सी हो गया। ठीक है, तो हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला सीखें और उसके एप्लीकेशन सीखें। अब थोड़ा और एडवांस में सीखते हैं, जैसे मान लो कि क्वेश्चन ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन करना है 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब ये डायरेक्ट हमारे पास जब इस तरह का क्वेश्चन आए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो हम लोग को या तो ऐसे कन्वर्ट करने की कोशिश करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में हो जाए, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में हो जाए, या फिर हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तीन तरह के पॉसिबिलिटीज़ में कोशिश करना है कि हमारा जो क्वाड्रिक इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाए, तो उसके बाद फिर हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से करेंगे। जैसे हम लोग क्वाड्रिक इक्वेशन में पढ़े थे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, और इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट में करना है तो एक्स को तो एक्स स्क्वायर रखेंगे, 2x को 2 इंटू एक्स, तो ये तो फिक्स रहेगा। अब यहाँ पर क्या फिल करेंगे कि बीच वाला आ जाएगा, तो 2x लाना है तो ऑब्वियस है 1 फिल करेंगे, जो भी नंबर यहाँ फिल करेंगे उसका प्लस में स्क्वायर करेंगे और माइनस में स्क्वायर करेंगे, बाकी जो कॉन्स्टेंट नंबर है उसको एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट हो गया, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और फिर ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 और माइनस 1 एक हो गया, तो 1 का स्क्वायर हो गया, मतलब हमारा ये जो क्वाड्रिक इक्वेशन था सम ऑफ टू स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर दिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो मतलब हमारा इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो टारगेट हमारा है ये तीनों में किसी में भी कन्वर्ट हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ना भी रहे या रूट रहे, दोनों केस में टारगेट हम लोग को ऐसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास इस तरह का फॉर्मेट के लिए हमारे पास 6 स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं। तो अब देखते हैं कि क्या बेनिफिट होगा इस करने से। अब हम लोग को ये इसके जगह में ये लिख दिए एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, अब यहाँ से देखते हैं, हम लोग को पता है फॉर्मूला, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। तो अगर हम लोग डी एक्स बाय अंडर रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग यही फॉर्मूला लगेगा, एक्स के जगह में केवल एक्स प्लस 1 है, तो फॉर्मूले में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर एक्स प्लस 1 आ जाएगा, मतलब लॉग एक्स के जगह में एक्स प्लस 1 आ गया, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब एक्स के जगह में एक्स प्लस 1 का हो स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं या फिर इसको एक्स प्लस 1 एज इट इज रहने, तो और ये सिंप्लीफाई करके हमारा जो ये शुरू में आया था ये आ जाएगा, तो क्योंकि तो फिर हम लोग इसके जगह में वही लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन है 1 बाय 9 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये फार्मूला तो है हम लोग के पास कि डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है, लेकिन देखना पड़ेगा कि ये कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले 9 एक्स स्क्वायर कोफिशियंट को 1 करना है, तो 9 हम लोग कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर हो गया, और ये 6x बाई 9 लिख दिए और ये 5 बाई 9 लिख दिए, क्योंकि 9 से अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये ओरिजिनल हमारा ये आ जाएगा।
अब यहाँ से क्या करेंगे कि एक्स को तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे और टू इंटू एक्स तो फिक्स है भाई लिखना है। अब यहाँ पर क्या पुट करें कि 6/9 आ जाए, तो 3/9 पुट करना पड़ेगा। मतलब हम लोग टारगेट है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2a और 2 इंटू एक्स तो फिक्स है, और यहाँ पर देखना है बीच में जो नंबर है 6/9 वो कैसे आएगा, तो 3/9। तो जो नंबर यहाँ पुट करेंगे उसको प्लस में स्क्वायर करके माइनस में स्क्वायर करके लिखेंगे, और ये 5/9 एज इट इज़ लिख देंगे। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक जो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। और ये जो दोनों सिंप्लीफाई करेंगे तो -9/81 5/9 हो गया, और ये 1/9 हो गया। तो कहने का मतलब ये तो 9 है, ये हमारा एज इट इज़ है। अब ये दोनों को सॉल्व करना है, -1/9 प्लस 5/9 को जब सॉल्व करेंगे तो मतलब 4/9 आ जाएगा। अच्छा, तो अब क्या हुआ, 9 तो बाहर ही है। अब ये 3/9 था, 1/3 कर लिए, तो ये एक्स स्क्वायर और 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो फॉर्मेट ले लिया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ टू स्क्वायर्स में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग ये लिख दिया। अब ये नीचे में, चूँकि ये नीचे है तो इधर वाला 9 जो है हमारा, ये जो 9 यहाँ लिखा हुआ वो नीचे बाहर आएगा 1/9, और ये एक्स प्लस 1/3 का स्क्वायर और 2/3 का स्क्वायर यहाँ लिख दिए। अब हम लोग को पता है कि एक्स स्क्वायर, ये सोचो कि ये एक्स है पूरा और ये ए है, तो डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम लोग को पता है कि 1/10 इनवर्स एक्स बाय ए होता है। तो यहाँ से हम लोग सिंपली 1/9 तो पहले वाला है 1/a, ए के जगह में 2/3 है, 10 इनवर्स एक्स, एक्स के जगह में ये पूरा एक्स प्लस 1/3 है, और ए के जगह में 2/3 प्लस सी हो गया। तो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। स्टैंडर्ड फार्मूला काफ़ी इजी है, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सम ऑफ टू स्क्वायर्स या डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर आपके ये 6 स्टैंडर्ड फार्मूले से जो भी लगेगा अप्रोप्रिएट होगा उसके बेसिस पर आप क्वेश्चंस को इंटीग्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अंडर रूट 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये भी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, तो ऑब्वियस है इसको भी हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब भी एक्स स्क्वायर कोफिशियंट माइनस हो तो हम लोग पहले माइनस ही कॉमन ले लेना है, तो माइनस कॉमन ले, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 हो गया। अब एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस 2 इंटू एक्स तो फिक्स है, अब क्या यहाँ पर फिल करें कि 3 आ जाए, तो 3/2 फिल कर दिए, और जो यहाँ नंबर फिल किए उसका स्क्वायर प्लस में, उसको माइनस में कर दिए, और ये एज इट इज़ -8 रहने दिए। अब यहाँ से यहाँ तक जो फार्मूला हमारा बन गया एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया, और ये -9/4 और -8, मतलब एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, अगर हम लोग इसको माइनस कॉमन ले लें तो 9+32 हो जाएगा, मतलब 41/4 हो गया। मतलब 41/4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 41/2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट में 41 है, स्क्वायर करेंगे तो 41 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो अब फिर ये माइनस जो कॉमन लिए थे उसको फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस वाला पहले लिख दिए, और ये एक्स माइनस 3/2 को बाद में लिख दिए। तो ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था अंदर वाला वो कैसे कन्वर्ट हो गया, एक कॉन्स्टेंट नंबर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मेट आ गया हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट ले लिया, ठीक है। तो बस, तो हम लोग को पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है वो साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी होता है, तो काफ़ी सिंपल है। तो ये एक्स बाय ए, तो एक्स के जगह में ये पूरा होगा एक्स माइनस 3/2, ए के जगह में अंडर रूट 41/2 होगा। तो यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर सिंप्लीफाई कर दिए, 2x-3 हो गया, क्योंकि इसका एलसीएम हमारा 2x-3 हो गया / 2, अंडर रूट 41/2, 2 कैंसिल हो गया, तो 2x-3/41 प्लस सी हो गया। तो इस तरीके कोई भी क्वेश्चंस हो तो काफ़ी इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो। यदि आपका कैलकुलेशंस पावर सही है
तो मैथ्स आपके लिए काफ़ी इजी है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो एलेवंथ का हो, ट्वेल्थ का हो, इकोनॉमिक्स का हो, कोई भी मैथ्स हो, सब इजी हो, यदि आपको कैलकुलेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और कॉन्सेप्ट्स जहाँ भी दिक्कत हो वो आप कमेंट कर सकते हो, आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।